दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वोटर आईडी कार्ड के बारे में। अगर आपके पास में कोई वोटर आईडी कार्ड था पुराना, आपने उसको डिलीट कर दिया और अब आप ये सोच रहे हो कि हमने पुराने वाला तो डिलीट कर दिया, अब हमें नया बनाना है, मतलब कि एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है किसी दूसरे एड्रेस पर, दूसरी जगह पर। आप कहीं पहले रहते थे कहीं और का, आपका वो पहले पुराने वाला वोटर आईडी कार्ड था उसको आपने डिलीट कर दिया है और वो सक्सेसफुली डिलीट भी हो गया है परमानेंट के लिए। तो आप यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि जब हम पुराना अपना वोटर आईडी कार्ड डिलीट कर देते हैं तो न्यू के लिए कब अप्लाई करना चाहिए, डिलीट के कितने दिन के बाद में न्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए। काफी लोगों का यहाँ पर ये सवाल है। आज की इस वीडियो के अंदर आप यही जानेंगे कि जब हम पुराने वाला डिलीट कर देते हैं तो उसके कितने दिन के बाद में हमें न्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, स्किप करके ना देखें, एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में कोई पुराना वोटर आईडी कार्ड था जो कि अलग एड्रेस पर था, अलग जगह का था, तो आप उसको जो है यहाँ पर डिलीट करना चाहते थे और आपने उसको डिलीट भी कर दिया, किसी और से करा दिया या फिर खुद कर दिया, वो डिलीट हो चुका है। अब आप ये चाहते हो जहाँ आप न्यू एड्रेस पर रह रहे हो, न्यू जगह पर रह रहे हो, आप वहाँ का एक न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हो, तो अब आपने जो पुराना वाला डिलीट कराया था उसके कितने दिन के बाद में एक न्यू वोटर आईडी कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर, जैसे कि आपका पुराने वाला डिलीट हो गया है तो डिलीट के एक हफ्ते के बाद ही आप जो है न्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही हमारा पुराने वाला डिलीट होता है तो उसमें जो है आप न्यू के लिए जो अप्लाई करोगे तो वो एक हफ्ते के बाद में न्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपका बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक हफ्ते के वेट के बाद में आप न्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।